नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, और ये भी मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग हमारे आसपास होते हैं या फिर वो दिखाते हैं, वो आपके वेल-विशर हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो एक्चुअल में हैं, या वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि वो आपके वेल-विशर हैं? तो मेरे भी ऐसे बहुत वेल-विशर रहे हैं, पर एक्चुअली में वो वेल-विशर के नाम पे मुझे लगता है कि वो सिर्फ आपको वॉच करते हैं। और मेरी लाइफ में मैंने हमेशा मेरी लाइफ बहुत अप डाउन रही है, कभी भी सेम मेरी लाइफ रही नहीं। तो मेरी लाइफ में काफ़ी वेल-विशर्स आए, पर वो वेल-विशर्स खाली आप ये सोच सकते हैं कि वो सिर्फ आप के साथ, हाँ जब कोई लेडी है या कोई गर्ल है, अगर आप उन्हें लगता है कि गर्ल्स हमेशा इमोशनली वीक होते हैं, और ऐसा नहीं है कि मेल सोचते हैं, ऐसा दूसरे गर्ल्स भी सोचते हैं और आपकी फैमिली में भी लोग सोचते हैं। इवन एजुकेशन की बात नहीं है, जो एजुकेटेड है उनके बारे में भी सोचते हैं। मतलब एक ये चीज़ें फैली हुई हैं कि हाँ गर्ल है, लेडी है, फीमेल है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो किसकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज नहीं आती है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई का लाइफ ऐसा है कि डिफ़िकल्टीज आती है, बस फीमेल की लाइफ को ज़्यादा लोग बारीकी से देखना पसंद करते हैं कि हाँ। तो मुझे जितने वेल विशर्स हैं, बहुत मिले, बहुत हैं, फैमिली में भी हैं, और एक्चुअली में आप अगर इमोशनली स्टक हो गए, आपको लगेगा वो आपके वेल विशर है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, कोई आपका वेल विशर नहीं है। जब आप कमा रहे हो, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हो, तो सारे वेल विशर्स आपके आपके वेल विशर कहलाते हैं। पर जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, अप्स और डाउन सबके होते हैं, तो वो सारे वेल विशर सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा होते हैं और वो आपको सिर्फ देखते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसा किया कि जितने ये मेरे सो कूल वेल विशर्स थे, जब मैं अपनी लाइफ में मैं खुद को स्टैंड कर रही थी, कहीं ना कहीं इमोशंस भी बहुत थे और लाइफ में मैंने बहुत अप्स डाउन थे, हर्ट ब्रेक, लाइफ के बहुत सारे ट्रॉमास, और उसमें खुद को फाइनेंशियल स्टेबलिश करना और विदाउट एनी नॉलेज, तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। दैट टाइम जितने भी मेरे सो कूल वेल विशर बन के आते थे मुझे राय देने को, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप मुझे राय ना दें, आप मुझे हेल्प कर दें। हेल्प मीन्स इन मनी, क्योंकि राय में तो हेल्प आप सब कर दोगे, क्योंकि फ्री की राय हमें चाहिए नहीं। एक्चुअली आई नो नीड फ्री एडवाइसेस, बिकॉज एडवाइस से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, करना मुझे ही है। तो तुम आप कुछ पैसे डाल दो अकाउंट में, और ये जितने मेरे सो कूल वेल विशर थे सारे के सारे भाग गए। और आज भी कभी अप्स डाउन आते हैं फिर, क्योंकि मैंने लाइफ में मेरे बहुत, मैंने बोला जैसे अप्स डाउन आते हैं, फिर ये सो कूल वेल विशर आके आपको फिर से राय देने लगते हैं। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, इस बार मैंने उनको रहने दिया, और अभी मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, और उस समय मैंने उनको ब्लॉक भी किया, पर अभी मैंने रहने दिया। और अगर वो देखते हैं और कुछ एडवाइस देते हैं, तो मैं बल्कि उनकी एडवाइस से सीखती हूँ कि ये लोग किस हद तक आपको एडवाइस दे सकते हैं, तो इनका नॉलेज कितना अच्छा है, क्या पता उनसे कुछ मैं सीख ही जाऊँ। तो जस्ट हमें खुद पे ही खड़ा होना है, खुद से ही करना है, और ये जो वेल विशर्स कहलाते हैं, ये आपकी लाइफ में कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ये सिर्फ आपको वॉच करते हैं कि आप अच्छे हैं तो ये आपको मैसेज करेंगे, अगर आप बुरे हैं ये आपके मैसेज को रिप्लाई भी नहीं करेंगे और इग्नोर करेंगे। और मेरे में एक अच्छी बात है कि मैं कभी किसी से हेल्प चाहती भी नहीं, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि कोई मेरा हेल्प करे, और एडवाइस तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो आए और मुझे एडवाइस करे, क्योंकि एडवाइस उनकी लो जो अपनी लाइफ में कुछ करे हैं,
उनकी क्या लेना जिसके लाइफ में शुरू से लास्ट तक कंफर्टेबल जोन है, जो बचपन में पैदा ही हुए हैं सिल्वर और गोल्डन स्पून के साथ। और लाइफ में थोड़े बहुत अप्स डाउन सबके आते हैं, हर इंसान ने देखा है, पर एक ह्यूज अप्स डाउन आना, वो चीज़ें बहुत देखते हैं, पर उसमें भी 50% है कि नहीं देखते हैं। थोड़े बहुत अप्स डाउन तो लाइफ का एक पार्ट है। तो बस इसीलिए ये सो कूल को वेल विशर्स मेरे या आपके जो कहलाते हैं, जब इनको मैं आजकल देखती हूँ खुद पे नज़र रखते हुए, तो एक्चुअली में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमने कुछ तो किया कि लोग हमें वॉच करते हैं। अक्सर तो लोग किसी को देखते भी नहीं। तो चलिए फिर कुछ नए थॉट के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक नमस्कार।